अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस तरह के बहुत दिनों के बाद जो है मैंने व्लॉग बनाने का इरादा किया, क्योंकि वजह ये थी कि सेमेस्टर बहुत टफ है, एट सेमेस्टर, तो उस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया और टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि पहले मेड एग्ज़ाम था एक 20 को, फिर नेक्स्ट 20 को फाइनल एग्ज़ाम, एक दूसरी तरफ रिसर्च, अभी भी रिसर्च और डिफेंस चल रहा है, लेकिन बस ये ग्लाकोमा वीक स्टार्ट हो गया है सेकंड वीक ऑफ मार्च से, तो सोचा कि उसके बारे में थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। तो इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ पर ड्यूटी है, कैंप लगाया है हमने HMC में और वॉक भी हुई है उसके, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और असल मकसद है हमारा जो है ग्लाकोमा, तो उसके बारे में कुछ अवेयरनेस होगी जो आप लोगों के लिए भी है, और उसके बारे में बताएंगे, तो सबसे बात करेंगे और बस देखते हैं। ग्लाकोमा जैसे उर्दू में काला मोतिया और पश्तो में तोरे उबा मतलब कहते हैं, तो ग्लाकोमा वीक है, मॉडल कंपटीशन है, तो मैंने सोचा कि चलो यही मौका है व्लॉग बना लेते, क्योंकि मॉडल कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया। तो 5 ग्रुप से वो 3D मॉडल बनाएंगे, 3D मॉडल कंपटीशन है आई की ग्लाकोमा टीम के हिसाब से, वो मॉडल कंपटीशन के लिए जो प्रिपरेशन चल रही है वो आप लोग की दिखाते हैं, और लेट्स गो चलते हैं फिर। ये दो जो है हमारे मॉडल है जो तैयार हो गए, ये ट्रिक इसलिए अच्छा, ये बुल्ला साहब कुछ बना रहे हैं, तो ठीक है ना, लेकिन बाद में तो ठीक है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं यार, ये ना कहो इसे क्यों ठीक है। हाँ सही है, तो ये अब्दुल्ला है, ठीक है, इसको लगता है कि सारे काम सिर्फ अब्दुल्ला कर सकते हैं। बसर बसर निकाल कैसा है? हाँ बस ठीक है, जबरदस्त, मेहनत करते जाओ बच्चे। हाँ मेहनत रंग लाएगी। वैसे आप लोग यार क्या कर रहे हो? डिफाइन कर रहे हैं ये, हाँ। देखो 3 फंडासेस है, लेकिन अभी हम ये नहीं बता सकते भाई, ये कल डिस्प्ले होगा, फिर आके जो है देख लेना यार। ये पकड़ो जरा, इधर दे दो। वैसे ये बनाया क्या है आपने? ये मुझे तो आधा टी लग रहा है, इसका टी का जो दूसरा साइड है वो कहीं गलत हो गया है कहीं। ये मुंह वाला सीन है, ये एक भी नहीं देखा यार, तुम लोगों को पता है मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं देखा ना, फिर भी हर बंदा आ जाता है और मुझे कहता है कि तुम लोग हमारी चीटिंग कर रहे हो। बुलाओ गुब्बारे, बुलाओ, डेकोरेशन जल्दी करनी है। तो यह हमारा मॉडल कंपटीशन होने वाला है कल,
बस इस जगह को थोड़ी सी डेकोरेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से ये सिस्टम चल रहा है। गुब्बारे अमीर सईद साहब, मसूद और ये है सहेल, ये अलाउद्दीन, ये सारे गुब्बारे वाले हैं। गुब्बारों की पार्टी चल रही है। और हमें मिलता क्या है, मिलता क्या है बदले में, सिर्फ थम्स अप। अब ठीक है, ये जो है हमारे सीआर साहब की है, सीआर साहब का टैलेंट है। देखे ये हो गया रेडी, ये हो जाएगा। हाँ जफर, क्या हाल है? आप लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। ठीक है, क्या आप ये बताओ ना कि ये क्या है, ये इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। बस ये चूजों के लिए ने पिंजरे बनाए, पिंजरे बनाए हुए हैं हम लोगों ने। असल हमारा जो काम है ना, सब काम इसी पे है। अच्छा, हमारा मॉडल इसी के बेस पे है, मतलब प्रिवेंशन, प्रमोशन, इंटरवेंशन। और ये क्या है? और यही चीजें मैं जिताने वाली हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जीत जाए यार, सब के लिए दुआएं, सब की, सब ने मेहनत की है भाई। बस आइए, नॉर्मल आई है हमारे पास। और ये भी नॉर्मल आई है हमारे पास, विजन होती है, टनल विजन है। चलो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। सर बताए क्या है, इन लोगों ने क्या चोरी की है? अच्छी बात है ना, बस टीम वर्क सीख लिया, नेक्स्ट टाइम जीत जाना, नेक्स्ट टाइम जीत जाना। ये ग्लैकोमेटस आई है, फिर इसके टू सेट टाइप से, जो मेजर टाइप से, एक होता है ओपन एंगल ग्लैकोमा और एक होता है इंटर क्लोजर ग्लैकोमा और एक ओपन एंगल। ये ओपन एंगल है, ओपन एंगल ग्लैकोमा इस तरह होता है कि यहाँ से आयरस, ये ट्रिबिकुलर नेटवर्क बना हुआ था, आयरस और कॉर्निया के बीच एक एंगल बना हुआ था, यहाँ पे ट्रिबिकुलर नेटवर्क जो कि आउटफ्लो के लिए पाथवे। तो यहाँ इस पाथवे में ये थ्री स्ट्रक्चर, यहाँ इस पाथवे में पार्टिकल्स एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एपस आउटफ्लो बंद हो जाता है, वो एपस अंदर ही जमा होता रहता है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन सेलरी बॉडीज में होती रहती है, जिससे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। और ये प्रेशर का डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ ऑप्टिक नर्व फाइबर पर पड़ता है, और इसमें भी जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो पेरिफेरी के फाइबर्स यहाँ पे होते, तो पेरिफेरी के फाइबर सबसे पहले इफेक्ट होते, और वो यहाँ पे पेरिफेरल फील्ड सबसे पहले इफेक्ट। ये बात मुझे बताओ कि ये ही आर शी है, लग तो लग तो शी रही है, शी लग रही है, आंखों से शी लग रही है। चलो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छा समरा, इधर देखो, बताओ क्या कर रही हो? इतने नाराज क्यों लग रही हो? मेहनत तो काफी अच्छा किया है आप लोगों ने। चलो बेस्ट ऑफ लक, बस जीत जाओ। लेकिन लगता नहीं है,
क्योंकि पहले हमने जीतना है, क्योंकि हमने भी मेहनत की है काफी। अच्छा ये वाला ये सारा मेरे नहीं सारा मैंने नहीं बनाया और लाइक ये मेरा आइडिया था। अच्छा ये वाला ये एक्सप्लेन करो खैरा थोड़ा सा। इसमें हमने ये नॉर्मल फंडस दिखाने की कोशिश की है जो नॉर्मल नहीं लग रहा, लेकिन हमने कोशिश की है। ठीक है, क्यों नहीं लग रहा खैरा ना, तो एग्जैक्टली तो आप नहीं दिखा सकते जो है ना, कैसे अच्छे से एक अच्छा सा व्यू है या नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लॉकोमेटिस चेंजेस शो करने की अगेन कोशिश की है और यहाँ ये टनल विजन जो है ये इनिशिएट हुई है। अच्छा, और यहाँ कंप्लीट टनल विजन एडवांस चेंजेस हैं। तो क्या उम्मीद कितनी है कि हम जीत जाएंगे कि नहीं? ये तो जीतने की उम्मीद है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं चलो देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक। और ये जो है पैथोफिजियोलॉजी है इसकी, आयरस बॉम्बे हुआ है इसको, एंगल ब्लॉक हुआ है, तो बस यही हमारा मॉडल है और देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू मी अलादीन साहब। ये ऑर्गेनाइजर साहब है जो ये सब इसने अरेंज करवाया है मैम के साथ मिलकर। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? यार ये अभी शोर बहुत ज़्यादा है, मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई नहीं देगी, लेकिन जब भी अभी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो बेस्ट ऑफ लक को आल, तो देखते हैं कि कौन जीतते हैं। आ जाओ आसान, इस बंदे ने काफ़ी अच्छा मेहनत की है और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आशीष क्या हाल है? ठीक ठाक। आशीष ने तो खैर पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन हसन ने बस सबका हेल्प करते हैं ना, जासूस का एक वो लोगों के पास जाता था, उसका आडियो चोरी करके दूसरी जगह जाता। हम सामान मांग गए, क्या चोरी किया है? एक चीज बताओ हम नहीं यार, एक बात सच बताता हूँ, हमारे हम दोनों ग्रुप्स का जो है अपने साथ कोऑपरेशन बहुत अच्छा। अगर हम किसी जितना कोई भी ग्रुप तो हम इकट्ठे पार्टी करेंगे इंशाल्लाह, पार्टी होगी। कदीर क्या हाल है? यही आप लोगों का मॉडल है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है आप लोगों ने। ये हमारी हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें हम एल आई को डिस्कस करेंगे और हमारे साथ। बड़ा ज़बरदस्त मॉडल बना है आप लोगों का, चलो विश करते हैं आप लोगों की आप जीत जाए। बेस्ट ऑफ लक। लगने वाला है हम तो। बड़ी मेहनत की है, जीतने वाले केक भी खिलाया, अब हम क्या कर सकते हैं।
रिश्वत हाँ रिश्वत हमें भी खिलाना चाहिए था ना, सर ने कहा था कि बायस नहीं होना, हमें भी खिलाना चाहिए, मेरी गलती की है। एंड मे बी इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू चूज पर्टिकुलरली अ सिंगल आउट ऑफ ऑल अस टॉप एंड सेकंड बट वी हैड टू डू इट सो आफ्टर अ डेलिब्रेट टॉक्स एंड लॉन्ग डिस्कशंस ही केम Between two judges. And the two judges were double blind. So we gave the first position to team one, beta blockers. जीत गए शोर है, कंग्रेचुलेशन जफर, थैंक यू, आप जीत गए। खैर हमने मुकाबले किया फिर भी हम सेकंड आए हैं मुकाबले में। यस यस, अब ये बच्चों वाले हरकतें छोड़ दो। लेकिन हमने मुकाबला किया, आसन कर मेहनत अच्छी की जीतेगा। तो ये जो है मॉडल कंपटीशन ख़त्म हो गया है और ये मॉडल बीटा ब्लॉकर इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी सेकंड पोजीशन हासिल कर ली है। और बस आज के लिए यही ब्लॉग था और द वर्ल्ड इज़ ब्राइट एंड सेव योर साइट। ग्लाकोमा से बचे, अपनी स्क्रीनिंग करवाए, ग्लाकोमा से बचने के लिए स्क्रीनिंग ज़रूरी है, अपने आँखों का ख्याल रखें। जब इस तरह की मैंने कंप्लेंट शेयर की है उसमें देखें कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आप लोगों को है तो प्लीज़ अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी विजन ख़राब हो चुकी है। ग्लाकोमा को साइलेंट टीथ कहते हैं, तो खामोशी से आपकी जो है नज़र जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सेहत सबसे पहले है और इसके बाद सब कुछ। थैंक यू सो मच।